नमस्कार। कोरोना का जो खतरा है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के अंदर इसके ऊपर काबू पाने की तमाम जो कोशिशें लगातार जारी चल रही हैं, वहीं जो कोरोना जो है अब भारतीय नौसेना के अंदर भी दस्तक दे चुका है। भारतीय नौसेना के INS आंग्रे के अंदर 21 नौसैनिक जो है वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। बम्बई बेस स्थित इस INS आंग्रे के अंदर कुल 25 नौसैनिकों का जो टेस्ट किया गया उसके अंदर 21 नौसैनिक पॉजिटिव मिले हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे स्रोत एक ही है। 7 अप्रैल को एक नौसैनिक की जब जांच की गई तो वह कोरोना के पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद से अब तो कुल मिलाकर 21 कोरोना पॉजिटिव नौसैनिक हो चुके हैं। पहला मामला नहीं है जब भारतीय सेना के अंदर कोरोना ने अपनी दस्तक दी हो। इससे पहले सबसे पहला जो मामला था वह लद्दाख से सामने आया था और जो दूसरा मामला था वह कलकत्ता से सामने आया था, जो कि कर्नल रैंक के डॉक्टर थे जो दिल्ली से आए थे और कोरोना पॉजिटिव थे। पूरी दुनिया की जो नेवी है वह भी इस पूरे मामले से जूझ रही है। सबसे पहला जो नौसैनिक मामला था वह अमेरिका से आया था। अमेरिका में सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर रूसो वैलेट में सबसे पहले कोरोना की खबर मिली थी। इसके बाद फ्रांस के नौसैनिक जहाज चार्ल्स डी गोल में भी कोरोना की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार जो है सेनाएं अलर्ट पर हो गई और भारतीय नौसेना ने भी यह अलर्ट जारी कर दिया गया कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। इस वक्त कुल कोरोना के जो मरीज है वह 14,378 है, जिसके अंदर से 1992 लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है। वहीं अगर मृत्यु का मामला देखा जाए तो 480 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना को रोकने के लिए लगातार हम सबको प्रयास करना होगा और इस मुहिम के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए देश का साथ देना होगा। इसलिए आप सभी लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।